हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट वीडियो इसका हम लोगों ने अपलोड कर दिया है कि जिसमें इसके सारे फार्मूले को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आपके इसके क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएंगे। वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए एज असाइनमेंट, और उन क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो जिसमें डाउट है वो आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहा हूँ और दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस। तो इसमें शुरू में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड और दिस रिस्पेक्टिवली, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई कर दिया है, इसका आंसर 128 आ रहा है और असाइनमेंट में बी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 3। तो साइड 3 दिया है, 3√3, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है S1/S2 16/9, और सरफेस एरिया देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, असाइनमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 6 पहले क्यूब की साइड को ए मान लिया, दूसरे क्यूब की साइड को बी मान लिया, 6A² / 6B² 6A² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लेंगे, तो ये 4:3, सी इज अ राइट ऑप्शन। हमने क्यूब की साइड को ए मान लिया तो सरफेस एरिया पहले क्यूब का S1 मान लिया, 6A² हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द एज ऑफ द क्यूब ऑफ द सरफेस एरिया इज एस इज अ डबल, अगर इसको साइड को डबल कर दिया जाए तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 × साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर होगा, सिर्फ ए का मत करना, 2A का होल स्क्वायर, तो 2 × 2 से क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 6A² तो S2 = 6। हम सिर्फ ए का स्क्वायर है 6A², तो 4 को अगर हम साइड में कर लें 6A² वी कैन राइट S1, तो यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, तो बी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, 3 क्यूब है जिनका वॉल्यूम आपको दिया गया है 8 cm³ ईच का है, हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 8 cm³ है। साइड अगर इनकी ए है तो A³ = क्या होगा, 8 होगा, तो इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2³ / 3, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 2 cm। अब इनको क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है एंड टू एंड, इस तरह से ज्वाइंट कर दिया, मैंने कंबाइंड फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब देखिए इसकी साइड 2 cm हो जाएगी, देखिए 2 2 2, तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी 2 2 4 6 cm हो जाएगी, लेकिन ब्रेथ 2 होगी और हाइट कितनी हो जाएगी, 2। तो आप चाहे लिख सकते हैं L = 6 cm, L B H की वैल्यू हमने नोट डाउन कर दी। अब क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस पुट कर दें, तो 6 × 2 6 × 2 + 2 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया + 2 × 6। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरा वे ये भी है कि आप 2 चाहे तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 + 2 + 6, तो ये कितना हो गया, 6 + 6 = 12 + 2 = 14, और 14 × 4 6 cm². देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, फिगर क्या है, इसके 3 क्यूब है, एक की साइड 1 cm, 6 cm, 8 cm, इन सब को मेल्ट करके रिकॉस्ट किया जाता है एक नी क्यूब। मेल्टिंग रिकॉस्टिंग के क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इन तीनों के वॉल्यूम जो हो जाएगा इस बिगर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगी, और जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी साइड को हमने एक्स मान लिया है, तो इसको हम राइट साइड में लिखते हैं, तो X³ = क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, तो 1³ हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, 6³ हो जाता है 216, 8³ क्या हो जाता है, 512। देखिए ये सारे क्यूब्स आपको याद रहेंगे तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं। सिंपल सा था, इसको सम करने के बाद 729 का अगर क्यूब आप निकालेंगे तो ये कितने का क्यूब होता है आपको पता होगा, 9 का क्यूब होता है, तो सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर, तो 6 × 9² 81 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 × 6 = 48, दिस इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर हम एक्स मान लें तो मून का डायमीटर कितना है, 1/4 हो जाएगा x/4, तो अर्थ की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी कि क्या होगा, x/2, और रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी, x/4 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/8। तो क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब, यहाँ पे क्या लेंगे, 4/3, और यहाँ अर्थ की रेडियस ले लेंगे
क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर एम के स्पेस में क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एट का होल क्यूब, और इसके स्पेस में क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन टू का होल क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एट का क्यूब, ये ऊपर जाएगा गेट रेसिप्रोकल टू का क्यूब एक्स का क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर वन आ जाएगा, नीचे एट का स्क्वायर यानी कि 64, तो रेशियो हो जाएगा 1:64। सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 1/64, 1:64। और शायद असाइनमेंट में उसमें मैंने इसका आंसर दे दिया था डी दिया था, जो कि गलत है, ये इसका आंसर ए इज़ राइट आंसर, तो 1:64 इज राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो तीन स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई जो गिवन है 6, 8 and 10 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके रिकॉस्ट किया जा रहा है, एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, तो सिंगल सॉलिड स्फीयर की रेडियस क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इन तीनों का वॉल्यूम जो हो जाएगा इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो इस बिगर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, सबका फार्मूला हमने लगा दिया, 4/3 πr³ कॉमन ले लिया, ये क्या होगा कट गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, इसको सम करना है 2+6 = 8, 2। और शायद अगर आप लोगों को याद होगा मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन भी इसके ऊपर था, ये किसका क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है, ये किसका, देखिए यही सब चीज़ें आपको लोगों को टाइम सेव करा सकती हैं कि आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, कि सारे क्यूब जो जो आपको कैलकुलेशन के ड्यूरिंग द कैलकुलेशन मिलता है उसे नोट डाउन कीजिए, उसको दिमाग में प्रिजर्व करते चलिए। तो ये 12 का क्यूब होगा, तो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। देखिए वेल है जिस जो 20 मीटर डीप है, यानी कि उसकी गहराई जो है 20 मीटर है, 7 मीटर जो इसका क्या है डायमीटर है, डग किया जाता है, इसकी मिट्टी से एक पोडियम बनाया जाता है, एक चबूतरा जिसे बोलते हैं, डिगिंग एवेनली सेपरेटली द फॉर्म द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया गया है, इसी मिट्टी का से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इसी मिट्टी जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मिट्टी कहाँ से निकल करके आ रही है, वेल से, तो जो इसका वॉल्यूम होगा ये इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम को इस वेल के वॉल्यूम के बराबर कर देते हैं, प्लेटफॉर्म हमारा क्यूबॉइड शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 7/2 है, इसका होल स्क्वायर, और एच कितना दिया है 20, 7 × 2 = 14, 2 × 5 = 5/2 यानी कि 2.5 मीटर, तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म होगी 2.5 मीटर, 42 था तो रेडियस 21 हो जाएगी, तो वॉल्यूम 2/3 πr³, वैल्यू को पुट किया सिंप्लीफाई किया ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3 प्लेसेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो 19.4 लीटर आ जाएगा, ये इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन जामिया में आए हैं, हमने जामिया का डेटाबेस काफ़ी स्टडी किया, स्टडी करने के बाद क्लास 9 इंट्रेंस में भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, 9th है 11th है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन लिया हमने, और MBA से भी ज़्यादा क्वेश्चन लिया हमने, तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यूब जो गिवन है इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि कट इनटू 3 equal pieces of 2 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों साइड इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितने क्यूब फॉर्म होंगे, मैंने आपको बताया था इस तरह का अगर केस अगर होता है नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम है उसका क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, और जो छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6/2 का क्यूब, तो ये 3 आ जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 27 क्यूब्स ऐसे फॉर्म होंगे। क्वेश्चन आई होप सो जामिया MBA में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक इस तरह की शीट है जो 27/1/8 उसकी वो है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, और इसको मेल्ट करके और एक क्यूब बनाया जाता है, और उसको द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरियाज ऑफ द टू सॉलिड्स, इन सॉलिड्स का दोनों का डिफरेंस सरफेस एरिया निकालना, उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब देखिए इस जो हमारा क्यूब बनेगा उसकी साइड को हमने ए मान लिया, ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो जाएगा 27 × 1 × 8। अब देखिए आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ए क्यूब इज इक्वल टू में से क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो जब आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 × 2 यानी कि 2 × 3 = 6, जो हमारा क्यूब आएगा उसकी साइड क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या पूछा, द डिफरेंट बिटवीन द सरफेस एरियाज ऑफ द सॉलिड्स, तो इसका इसका जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर, एस वन जो हो जाएगा हमारा 6 × साइड भी क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 2 lb/bh/hl इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यानी कि 462।
देखिए ये मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो ये आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे 231, 212, 236, 224 इनके डिफरेंसेस पूछे हैं, तो इनका डिफरेंस 462 माइनस 216, 246 ऑप्शन में नहीं आ रहा, हो सकता मुझसे गलती हुई हो, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़। इसमें सी दिया हुआ है लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 246, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आई होप सो, हो सकता गलती हुई है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन लॉजिकल होता है, जैसे ये है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर फर्स्ट पेंटेड इनटू द पिंक एंड देन कट इनटू द स्मॉलर क्यूब्स ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स हैव द पेंट एग्जैक्टली टू साइड्स, दो साइड जिसकी पेंट हो। जैसे मैं, आप मेरे पास एक क्यूब है, ये मैं दिखा दूँ, तो इसमें इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं आपको। इसमें पिंक तो खैर नहीं है, हम चलिए रेड का ज्यूम कर लेते हैं पिंक। तो अगर इस तरह से अगर हमें ये पूरा पेंट कर दिया गया है, हर मतलब ये इसे ऐसा ज्यूम कीजिए कि हर साइड को पिंक कलर से पेंट कर दिया गया है, और ये दो दो सेंटीमीटर के जैसे ये कट किए जाएंगे, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहे हैं एग्जैक्टली टू कलर्स वाले क्यूब आप इमेजिन कीजिए कहाँ से निकलेंगे। ये जो कॉर्नर वाले क्यूब हैं ये तो 3 कलर के होंगे, ये तीनों कॉर्नर के तो आप नहीं ले सकते, तो डबल कलर के कहाँ से निकलेंगे। एक तो हमारा ये यहाँ से निकलेगा, ये वाली साइड अगर पिंक होगी तो ये वाली भी साइड पिंक होगी, फिर यहाँ से निकल सकता है, ये दोनों पिंक होंगी, एक यहाँ से, यानी कि 4 क्यूब्स यहाँ से निकलेंगे जो कितने कलर के होंगे हमारे, डबल कलर के होंगे, पिंक से दो साइड उनकी जो होगी वो पिंक से पेंट होगी। तो 4 अगर यहाँ से निकलेंगे तो 4 हमारे बैक से भी निकल आएंगे, बैक वाली साइड के भी 4 निकलेंगे। और अगर आप ध्यान से देख पाए, मैं थोड़ा से घुमा रहा हूँ, आप देखिए ये वाले भी होंगे तो सेम ही कलर के होंगे, अगर पिंक पिंक होगा तो 2, तो 4 यहाँ से निकलेंगे मिडिल रो से, तो यानी कि 4, 4, 8, 4, 3, 12 क्यूब ऐसे होंगे जो दो साइड में एग्जैक्टली पिंक कलर से पेंटेड होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए। अ कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव द इक्वल बेस एंड द इक्वल वॉल्यूम, दैट मीन्स ये जो कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr², इसकी हाइट को हमने h अज्यूम कर लिया है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³। तो पहले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इसको कट कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h अपॉन 2 × r। देखिए अगर हम लोगों ने जरा से गलती की, इसके वॉल्यूम के इसको किससे पे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, देयर हाइट्स का मतलब हो गया पहले कोन आया है, तो पहले कोन की हाइट, कोन की हाइट तो क्या हो जाएगी h, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी, ये भी ये रेडियस है, यानी कि इसकी हाइट भी क्या होगी, r होगी। हमें क्या फाइंड करना है, एच अपॉन आर फाइंड करना है, तो 2/1 यानी कि 2:1 का रेशियो होगा। देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है, 1:2 भी दिया है, 2:1 भी दिया है, ज़रा से आप गलती करेंगे तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अच्छा ऑप्शन आ जाने के बाद से भी बड़ा वो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ गया। तो आपको करेक्टली रीड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो देयर हाइट्स का मतलब कौन, कौन की हाइट को किससे फाइंड करना है रेशियो, कौन की हाइट का, हेमिस्फीयर से। सिलेंडर है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू सिलेंडर्स, h1/s2 दिया, 3:5, इसके h1 ले लिया, इसके s2 हाइट ले लिया, 1/v2 जो है 27:80 है। हमें फाइंड क्या करना है, r1/r2 फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, और वॉल्यूम का भी रेशियो आपको दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई r1² इंटू h1 पाई r2² इंटू 2π कैंसिल आउट, r1/r2 इसे हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं h1/s2। तो ये वॉल्यूम का रेशियो था, ये किसके इक्विवेलेंट है, कर दी है, और ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 9 हो जाएगा और 5 16 80 होगा, और जब यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे, रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:4 का। सारी चीज़ें नोट डाउन कर दी है, ये ए और बी दो सिलेंडर है, इनकी रेडियस r1 और हाइट h1, रेडियस r2 हाइट h2। तो r1/r2 दिया है 4:7 यानी कि 4/7, h1/s2 की जो वैल्यू गिवन है 2:1 यानी कि 2/1। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट यानी कि va/vb, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे h1/s2, तो r1/r2 के स्पेस हम लिख सकते हैं 4/7 का होल स्क्वायर, और h1/s2 के स्पेस में लिख सकते हैं 2/1, तो 4 4 16 7 7 49 इंटू 2/1, तो 16 2 32 upon 49। द बेस एरिया ऑफ ए रूम इज दिस, हाइट इज दिस, देन द इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल बी की वैल्यू कंबाइंडली आपको गिवन है 12 m² और हाइट गया है 3 मीटर, तो दैट मीन 36 m³ इसका वॉल्यूम होगा, बे इज़ राइट ऑप्शन। मैंने फिगर पूरा ड्रॉ कर दिया है,
और इस क्यूब की साइड को हमने ए मान लिया है, तो अब क्यूब मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है, क्या किस फॉर्म में, सिलेंडर विद द बेस रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एच, यानी कि इसकी जो एच जो साइड है उसका हाफ ए बाई टू ऑफ द क्यूब, टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22.7, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू इट्स बेस रेडियस, यानी कि एच अपॉन आर फाइंड करना, और क्या है ए बाई टू, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जस्ट हमने बताया था आपको कि जब मेल्टिंग और रिकॉस्टिंग वाला क्वेश्चन होता है तो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के बराबर होगा, पाई की वैल्यू 22.7 अज्यूम करना है, आर के स्पेस हम लिख सकते हैं ए बाई टू का होल स्क्वायर एच ए क्यूब, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको 22.7 एज सच, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 इंटू एच ए क्यूब, तो ये इसको पूरी पावर को कट कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच अपॉन ए और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 इंटू 4 और 22 नीचे आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एच अपॉन ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 जा ये आ जाएगा 11 जा, यानी कि 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, इन्हें फाइंड क्या करना है h अपॉन r को फाइंड करना है, यानी कि r क्या है a बाई टू है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a बाई टू r के बराबर हो जाएगा h अपॉन r, और इस 2 को हम यहाँ ले लेंगे तो 17 टू जा कितना हो जाएगा 14, 14 टू जा कितना हो जाएगा 28 अपॉन 11, यानी कि रेशियो हो जाएगा 28:11। ऑप्शन क्वेश्चन 9 वेरी सिंपल क्वेश्चन, सरफेस एरिया 6a² इज इक्वल टू 294, a² 49, a की वैल्यू 7, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, अब देखिए 7 का क्यूब नहीं अगर आपको याद होगा तो भी आप इसमें टाइम लगाएंगे, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 343 मीटर क्यूब, ए इज राइट ऑप्शन। ऑफ द क्यूबाइड और द बेस एरिया इज दिस, द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड हुज बेस एरिया, यानी कि बेस एरिया मैंने बताया था आपको ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट हमें फाइंड करनी है और वॉल्यूम कितना गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, बी एच इसे हमने ए बी ले लिया था, आप इसे एल बी ले सकते हैं, एल बी ले लीजिए, एल बी इतना हो गया, देखिए बेस एरिया आपको डायरेक्टली गिवन है, बेस एरिया आपको कितना गिवन है 180 और हाइट फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है दिस, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 18 5 जा 9 हो जाएगा, तो यानी कि एच की वैल्यू जो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखा दिया है कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, अरे जो भी बुक आपके पास है उसे खूब प्रैक्टिस कर लें, ऐसे ही क्वेश्चन इन जामिया में पूछा जाता है, अगर आपका फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने बताया था, अगर आपने उसको सही से देख लिया है क्या फाइंड करना है एक्चुअली में ये आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।